डेथ नोट 2017। फिल्म डेथ नोट 2017 में आई एक हॉलीवुड फिल्म है जिसके डायरेक्टर हैं एडम विंगर्ड। फिल्म की शुरुआत होती है वॉशिंगटन में, जहां हाई स्कूल स्टूडेंट लाइट टर्नर अपने स्कूल ग्राउंड में बैठा हुआ होता है। तभी वहां अचानक एक तेज आंधी आती है और उसी आंधी के बीच कहीं से उड़ते हुए एक बुक लाइट के पास आ जाती है जिसका नाम होता है डेथ नोट। तभी वहां तेज बारिश हो जाती है, सभी स्कूल के अंदर भागते हैं। तभी लाइट देखता है कि उसके स्कूल के कुछ स्टूडेंट लाइट के एक साथी स्टूडेंट से मारपीट कर रहे हैं। लाइट उन्हें ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो लड़का नहीं मानता और बदले में लाइट को एक मुक्का मारता है। तभी वहां एक टीचर आ जाती है जो लाइट के बैग से बाहर आए कुछ पेपर देखती है, जिसे देखकर पता चलता है कि लाइट कुछ स्टूडेंट्स का होमवर्क करता है, जिसके बदले में वो उनसे पैसे लेता है। इस बात से नाराज टीचर लाइट को प्रिंसिपल के सामने ले जाती है, जिसके बाद लाइट को सजा के तौर पर एक कमरे में अकेले रहने को कहा जाता है। जब लाइट उस कमरे में अकेला होता है तो उसे स्कूल ग्राउंड में मिली उस बुक की याद आती है और वो अपने बैग से उस बुक को निकाल कर पढ़ने लगता है। जब वो उसे पढ़ता है तब उसे पता चलता है कि उस बुक को रखने के कुछ नियम है और वो कोई मामूली बुक नहीं है बल्कि सदियों पुरानी है। जब से लाइट को ये बुक मिली थी तब से उसको कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। और तभी अचानक वहां इलेक्ट्रिक स्पार्क शुरू हो जाती है और लाइट के सामने एक अजीब डरावना सा क्रीचर आ जाता है। उसके पूरे शरीर पर बड़े बड़े नोकीले कांटे लगे हुए थे। लाइट उसे देखकर काफी डर जाता है और उस कमरे से भागना चाहता है, पर वो दरवाजा नहीं खोल पाता और ना ही उसकी आवाज वहां से बाहर जा पाती है। फिर थोड़ी देर के बाद लाइट कुछ शांत हो जाता है और उस क्रीचर की बात सुनता है। तब उसे मालूम चलता है कि वो कोई क्रीचर नहीं बल्कि एंजल ऑफ डेथ है, यानी मौत का फरिश्ता रियुक। और ये एंजल ऑफ डेथ रियुक इस बुक का रखवाला है। रियुक लाइट को इस बुक के बारे में बताता है कि इसमें कुछ खास नोट्स है जिसे डेथ नोट कहा जाता है, और ये बुक जिसके पास भी होती है वही इस बुक का मालिक होता है। इसीलिए अब इस बुक का मालिक लाइट था। इस बुक की सबसे खास बात यह होती है कि इसके डेथ नोट पर जिसका भी असली नाम लिखा जाएगा वो मर जाएगा, और बुक का मालिक किसी को भी अपने तरीके से मार सकता है। जैसे लाइट कोई भी तरीका चुन के उस बुक में लिखे और मरने वाले का असली नाम लिख दे तो मरने वाला उसी तरीके से मर जाएगा। लेकिन ऐसा करने के लिए बुक के मालिक को कुछ नियमों का पालन करना होगा। लेकिन इन सारी बातों पर लाइट को कोई भरोसा नहीं होता। रियुक कहता है कि 7 दिनों में इस बुक में कम से कम एक नाम लिखना जरूरी होता है, वरना ये बुक अपना दूसरा मालिक चुन लेगी। रियुक आगे कहता है कि सिर्फ असली नाम ही नहीं बल्कि जिसे मारना है उसकी शक्ल भी बुक के मालिक को याद रहनी चाहिए और मौत का तरीका ऐसा हो जो रियल में हो सकता है। तभी लाइट खिड़की से उस लड़के को देखता है जिसने उसे मुक्का मारा था, जो उस वक्त भी एक लड़की को परेशान कर रहा था। फिर रियुक की बात याद करके लाइट बुक में उस लड़के का नाम लिख देता है और मरने का तरीका उसका सर क्रश होना लिख देता है। फिर बाहर का नजारा दिखाया जाता है जहां 2 गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं और एक गाड़ी के ऊपर रखी लोहे की सीढ़ी सीधे आकर उस लड़के के सर को क्रश कर जाती है। ये देखकर लाइट काफी डर जाता है, जिसके बाद अब लाइट को भी रियुक की इस बात पर भरोसा हो जाता है कि जो कुछ भी उसने बुक के बारे में बताया है वो बिल्कुल सच है। रियुक लाइट से कहता है कि इस बुक की मदद से तुम काफी चीजें बदल सकते हो, लेकिन अगर तुम इसे नहीं चाहते हो मैं इसे ले जाता हूँ। लेकिन लाइट एंजल को ऐसा करने से मना करता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लाइट घर पर अपने पिता के साथ डिनर कर रहा होता है। लाइट के पिता एक डिटेक्टिव थे। जब उन दोनों की बात होती है तब पता चलता है कि कुछ साल पहले एक आदमी ने लाइट की माँ का मर्डर कर दिया था, लेकिन पुलिस को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, जिस वजह से वो हत्यारा शहर में खुला घूम रहा था। इसी बात की वजह से लाइट और उसके पिता के बीच रिश्ते काफी अच्छे नहीं थे, क्योंकि लाइट अपने पिता से नाराज रहता है क्योंकि वो पुलिस वाले होकर भी अपनी पत्नी की मौत का बदला नहीं ले पा रहे थे, जिस वजह से लाइट हमेशा उदास रहा करता था। तभी लाइट को एक तरकीब सूझती है और वो उस हत्यारे का नाम डेथ नोट में लिख देता है। फिर अगले ही सीन में उस हत्यारे को दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट में कुछ लोगों के साथ एक पार्टी एंजॉय कर रहा होता है, और फिर अचानक ही एक वाइन गिलास का टुकड़ा उसके गले के आर पार हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है।
अगली सुबह लाइट और उसके पिता को इस बात की खबर लगती है, जिससे वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं और यहाँ से दोनों बाप बेटे के रिश्ते सुधरने लगते हैं। लाइट अब सोचता है कि बुक की पावर को अच्छे कामों के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। जब वो उस बुक को अपने स्कूल के बास्केटबॉल कोर्ट में पढ़ रहा होता है, तभी वहाँ उसकी एक क्लासमेट मिया आ जाती है। लाइट मिया को पसंद करता था, लेकिन उसके बिगड़ेल दोस्तों की वजह से उसके पास जाने से डरता था। तभी मिया और लाइट की बातचीत शुरू होती है और बातों ही बातों में लाइट उसे अपना सीक्रेट बता देता है कि उसे एक ऐसी बुक मिली है जिसमें वो जिस भी इंसान का नाम लिखता है वो इंसान मर जाता है। लेकिन मिया उसका मजाक उड़ाती है और लाइट की बातों का यकीन नहीं करती। इस बात को साबित करने के लिए लाइट मिया को अपने लैपटॉप में एक लाइव न्यूज फुटेज दिखाती है, जिसमें एक किलर एक औरत को गन पॉइंट पर मार रहा होता है और पुलिस भी वहां कुछ नहीं कर पा रही होती है। तभी लाइट उस आदमी का नाम उस डेथ नोट में लिख देता है कि एक गाड़ी उसे टक्कर मारेगी जिससे इसकी मौत हो जाएगी, और अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। वो आदमी उस औरत को छोड़ देता है और पुलिस की गाड़ी उसे कुचलते हुए आगे बढ़ जाती है। ये देखकर मिया शॉक्ड हो जाती है और अब लाइट पर यकीन करने लग जाती है। फिर वो दोनों एक प्लान बनाते हैं कि अब इस बुक की मदद से बुरे लोगों को इस दुनिया से मिटा देंगे, और ऐसा करने के लिए वो दोनों इंटरनेट से ऐसे लोगों के नाम निकालते हैं जो रेप, चोरी और मर्डर जैसे जुर्म में इन्वॉल्व हो, और धीरे धीरे वो ऐसे सारे क्रिमिनल्स को डेथ नोट की मदद से मारने लगते हैं। यहाँ पर यह भी दिखाया जाता है कि बुक का मालिक मरने वाले पर अपना कंट्रोल भी कर सकता है। फिर लाइट अपने लिए एक नाम चुनता है, कीरा, जो एक जापानीज नाम होता है, और अब से जिसको भी वो दोनों मारते थे वहां पर कीरा लिख देते थे, जिससे कि उस नाम की दहशत लोगों में फैल जाए और वो सारे बुरे काम छोड़ दे। और देखते ही देखते ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि लोगों को मारने वाला एक नया सीरियल किलर आ गया है। जहां पुलिस और सरकार कीरा को पकड़ने के प्लान बनाए जा रही थी, वहीं कुछ लोग कीरा को सपोर्ट भी करने लगे थे, क्योंकि कम से कम कीरा की वजह से दुनिया से बुरे लोग खत्म हो रहे थे, और जिनको पुलिस और सरकार से इंसाफ नहीं मिल रहा था उन्हें इंसाफ कीरा दे रहा था। कीरा को पकड़ने के लिए पुलिस बहुत कोशिश करने लगी थी, लेकिन कीरा के खिलाफ कोई डायरेक्ट सबूत नहीं मिल पाने की वजह से कीरा पकड़ा नहीं जा रहा था। तभी एक प्राइवेट डिटेक्टिव की एंट्री होती है जिसका नाम एल होता है। उसे कीरा को पकड़ने के लिए सरकार के द्वारा अपॉइंट किया गया होता है। एल की खास बात यह थी कि वो बहुत कम उम्र में बड़े बड़े केस सॉल्व कर चुका था और वो हमेशा अपना फेस कवर करके रखता था। उसका असली नाम भी किसी को नहीं पता था। इधर लाइट और मिया बहुत खुश थे क्योंकि वो 400 से ज्यादा बुरे लोगों को मार चुके थे। एल मीडिया में कीरा को धमकी देता है और कहता है कि अपनी सलामती चाहते हो तो सबके सामने आ जाओ, क्योंकि वो बहुत ही इंटेलिजेंट डिटेक्टिव होता है, इसलिए वो इस केस की जांच शुरुआत से करता है। लाइट के पिता भी काफी फेमस डिटेक्टिव थे, इसलिए एल उन्हें अपने टीम में रख लेता है, जिससे उन्हें कीरा तक पहुंचने में मदद मिल सके। इस बात से लाइट और मिया काफी टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि अभी तक उन्हें नहीं लगा था कि उनको पकड़ने की भी कोशिश हो सकती है, और अब तो उसके पिता भी उसी टीम का हिस्सा है जो उन्हें पकड़ना चाहती है। घर पर लाइट अपने पिता से पूछता है कि कीरा को पकड़ने के बाद उसके साथ क्या किया जाएगा, तो उसके पिता कहते हैं कि आधे लोग कहेंगे कि कीरा को फांसी दे दी जाए, लेकिन वहीं आधे लोग कहेंगे कि कीरा ने ये सब आखिर कैसे किया ये जानने के लिए उस पर रिसर्च किया जाए। इतना सुनकर लाइट काफी डर जाता है और अपने कमरे में आकर मियां को सारी बात बताता है। उसे कहता है कि अब वक्त आ गया है कि हम ये सब छोड़ दें, क्योंकि कहीं ना कहीं एल के शक के दायरे में बहुत सारे लोग थे, जिसमें लाइट भी था, और इसी शक में एल एक सीक्रेट एजेंट को लाइट के पीछे लगा देता है, जिसे लाइट की सारी एक्टिविटीज पर नजर रखी जाए। लाइट को इस बात का अंदाजा लग जाता है कि कोई उसके पीछे है, लेकिन वो ऐसा दिखाता है जैसे कि उसे कुछ भी नहीं पता। बुक से लाइट का इंटरेस्ट कम होता देख मिया को बुरा लगता है, क्योंकि वो तो ये काम करके काफी एंजॉय करती थी, अब उनके बीच का कांटा एल बन चुका था। मिया लाइट से कहती है हमें इस बुक में उन डिटेक्टिव के नाम लिख देना चाहिए जो इस वक्त कीरा के पीछे है, और उनकी मौत के बाद बाकी पुलिस भी कीरा से डर जाएगी और कीरा का पीछा छोड़ देगी। लेकिन लाइट इस बात को नहीं मानता, क्योंकि वो बेकसूर लोगों को मारना नहीं चाहता था, और मजबूरन मिया को भी लाइट की बात माननी पड़ती है।
क्योंकि आखिर में लाइट ही बुक का मालिक था। इधर एल को यह पता चल जाता है कि किरा ने सिर्फ उन लोगों का कत्ल किया है जिन लोगों के बारे में टीवी या इंटरनेट में दिखाया गया है और जिनकी पहचान छुपी हुई है उन तक किरा नहीं पहुंच पाया है। लाइट डिसाइड करता है कि अब कुछ दिन तक वो किसी को भी नहीं मारेगा। लेकिन अगले ही पल एक हादसा हो जाता है और पुलिस के कुछ एजेंट्स जो किरा के केस में शामिल थे एक ऊंची बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान देते हैं। लेकिन उनके नाम तो लाइट ने बुक में नहीं लिखे, फिर उनकी मौत कैसे हुई? इस बात से लाइट काफी टेंशन में आ जाता है और घर आकर रियूक से पूछता है कि क्या ये सब तुमने किया? तो एंजल कहता है कि ये नाम किसी और ने लिखे हैं क्योंकि इसमें कोई इंसान ही नाम लिख सकता है, न कि मैं। लाइट के पिता मीडिया के सामने किरा को चैलेंज करते हैं कि दम है तो सामने आओ और मेरा मुकाबला करो, मुझे मार के दिखाओ, निर्दोष लोगों को मारना बंद करो। ये न्यूज देखकर मिया लाइट से कहती है कि तुम अपने पिता का नाम भी इस बुक में लिख दो। इस बात से लाइट काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं अपने पिता को कैसे मार सकता हूँ, क्या तुम पागल हो चुकी हो? इधर एल इस मौके के इंतजार में रहता है कि क्या किरा लाइट के पिता को भी मार देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता और लाइट अपने पिता को नहीं मारता, जिससे एल का शक यकीन में बदल जाता है क्योंकि आखिर लाइट का पिता भी तो एक डिटेक्टिव ही है और वो जिंदा है, जिससे वो जान जाता है कि लाइट ही किरा है। उसी रात एल लाइट से एक रेस्टोरेंट में मिलता है और उसे काफी सवाल जवाब करता है जिससे वो उसे सच बता दे। वो लाइट को अपना चेहरा भी दिखाता है और कहता है कि अब ये खेल बंद कर दो, लेकिन लाइट उसकी बातों को टाल देता है और वहां से भाग जाता है। अब उसे भी अपने ऊपर बड़े खतरे का पता चल जाता है, लेकिन वो चाहकर भी एल को मार नहीं सकता था। तभी लाइट को घर के बाहर मिया मिल जाती है जो कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस मुसीबत से निकलने के लिए तुम्हारी मदद करूँ। एल को अपने रास्ते से हटाने के लिए लाइट काफी कुछ सोचता है और मिया से कहता है कि एल का चेहरा तो मैं देख चुका हूँ मगर उसका असली नाम नहीं। तभी उसे एक आइडिया आता है कि उसका असली नाम उसका कोई करीबी जरूर जानता होगा। फिर लाइट उसके असिस्टेंट का नाम अपने बुक में लिख देता है क्योंकि यहाँ पर एक रूल बताया जाता है कि अगर बुक का मालिक चाहे तो 48 आवर्स के अंदर वो नाम लिखे पन्ने को जलाकर उस आदमी को मरने से बचा सकता है। लेकिन एंजल ऑफ डेथ उसे याद दिलाता है कि ऐसा सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है। अब एल का असिस्टेंट लाइट के कंट्रोल में आ जाता है लेकिन वो भी एल का असली नाम नहीं जानता था। लाइट उसे कहता है कि किसी भी तरह से एल का असली नाम पता करो। तभी एल का असिस्टेंट बताता है कि एल पहले किसी एकेडमी में जाता था और हो सकता है वहां उसका असली नाम पता चल जाए, और लाइट उसे वहां जाने को कहता है और असिस्टेंट वैसा ही करता है। लाइट का प्लान था कि जैसे ही उसे एल का असली नाम पता चल जाएगा वैसे ही वो उस पेज को जला देगा जिसमें उसके असिस्टेंट का नाम लिखा था। इधर एल को पता चलता है कि असिस्टेंट मिसिंग है जिससे उसको शक हो जाता है कि लाइट ने उसको अपने कंट्रोल में कर लिया है जिससे उसे उसका असली नाम पता चल जाए, और इस बात से एल काफी परेशान हो जाता है। फिर रात में अचानक एल लाइट के घर आ जाता है। एल लाइट के पिता को कहता है कि आपका बेटा ही किरा है और इसी ने मेरे असिस्टेंट को भी गायब कर दिया है। ये सुनकर लाइट के पिता काफी गुस्सा करते हैं और एल पर हाथ भी उठाते हैं, लेकिन एल पुलिस फोर्स के साथ वहां आया होता है जिसकी वजह से लाइट के पिता उसे रोक नहीं पाते और उनके पूरे घर की तलाशी ली जाती है, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जिससे कि लाइट को गिरफ्तार किया जा सके। इधर असिस्टेंट लाइट को फोन करता है और कहता है कि मैं उसके एकेडमी पहुंच गया हूँ और वो डॉक्यूमेंट से एल का असली नाम पता कर रहा होता है। फिर लाइट उस पेज को जलाने के लिए ढूंढने लगता है जिसमें असिस्टेंट का नाम लिखा हुआ होता है, लेकिन किसी ने उस पेज को वहां से फाड़ दिया था और एल का असली नाम बताने से पहले ही असिस्टेंट की मौत हो जाती है। इस बात से लाइट काफी निराश और दुखी हो जाता है। स्कूल के प्रॉम नाइट पार्टी में मिया लाइट को बताती है कि असिस्टेंट के नाम का पेज चुपके से मैंने ही फाड़ा था और डिटेक्टिव्स के नाम भी उस बुक में मैंने ही लिखे थे, और तो और मैंने अब तुम्हारा नाम भी उसी डायरी में लिख दिया है, और मरने का तरीका ये होगा कि आधी रात को लाइट की दिल की धड़कने बंद हो जाएगी जिससे वो मर जाएगा। मिया लाइट से कहती है कि अगर लाइट उसे बुक दे देता है तो उसके नाम वाला पेज वो जला देगी, जिससे लाइट को पता चल जाता है कि मिया ने सिर्फ उस बुक को पाने के लिए उससे प्यार का नाटक किया था। जब एल को अपने असिस्टेंट के मौत के बारे में पता चलता है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है
और अपनी गन लेकर लाइट के पीछे चला जाता है। काफी कोशिश के बाद एल लाइट को पकड़ लेता है और एक होटल के शेफ को कहता है कि यही कीरा है, इसे पकड़ने में मेरी मदद करो। लेकिन शेफ एल पर ही हमला कर देता है जिससे एल बेहोश हो जाता है। शेफ ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो कीरा का सपोर्टर था। अब लाइट के पीछे पुलिस के फोर्स लग जाती है और भागते भागते लाइट मियां को लेकर एक झूले में चला जाता है और वहां मियां से कहता है कि अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती हो तो इस बुक को टच भी नहीं करोगी, हम एक होकर ये सब नॉर्मल कर देंगे। पर मियां के ऊपर लाइट के बातों का कोई असर नहीं होता है और लालच में आकर वो उस बुक को लाइट से छीन लेती है। तभी लाइट कहता है तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि लाइट ने उस बुक में मियां का भी नाम लिख दिया होता है और दोनों का नाम बुक में होने की वजह से उस झूले में हादसा हो जाता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं, जहां मियां की मौत मौके पर ही हो जाती है। पर लाइट पास के एक तालाब में गिर जाता है। अगले सीन में लाइट को एक हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहां लाइट कोमा में चला गया होता है। इसी बीच ये पता चलता है लाइट के कोमा में होने के बावजूद भी क्रिमिनल्स की मौत हो रही है, पर एल का शक तो लाइट पर था, लेकिन कोमा में होते हुए वो ऐसा कैसे कर सकता है। उसी वक्त लाइट के पिता को भी पता चल जाता है लाइट ही कीरा है और हॉस्पिटल में ही लाइट रिवील करता है कि जब उसे पता चला कि मियां ने उसका नाम लिखा है तो उसी बुक में लाइट ने ये लिखा कि अगर वो उससे बुक ले लेती है तो वो मारी जाएगी और वो पेज जिसमें लाइट का नाम लिखा है वो जल जाएगा और लाइट बच जाएगा। और इसी के साथ उसने बहुत से बुरे लोगों के नाम उस बुक में लिख दिए थे। उसने आगे लिखा अब एक क्रिमिनल डॉक्टर लाइट को तालाब से बाहर निकालेगा और उसे 2 दिन के लिए कोमा में भेजकर खुद सुसाइड कर लेगा और ये बुक एक अनजान आदमी के हाथ लग जाएगी और वो कीरा के नाम से 2 दिन तक उस बुक से किलिंग करता रहेगा। उसके बाद लाइट के कोमा से वापिस आने के बाद वो बुक लाइट को वापिस कर देगा। इस घटना के बाद से एल को उसके काम से सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर भी वो आखिरी बार मियां के घर जाकर उसके कमरे की तलाशी लेता है, जहां उसे एक पेज मिलता है जिसमें मरने वाले डिटेक्टिव्स के नाम लिखे हुए होते हैं। अब वापस से हॉस्पिटल का सीन आता है जहां लाइट अपने पिता से बात कर रहा होता है और वहीं रियुक को दिखाया जाता है जो कहता है कि और यहां फिल्म खत्म हो जाती है।